काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आते ही हिंदुत्व के आराधक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का तेजस्वी चेहरा आंखों के सम्मुख आ जाता है। 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ कथा प्रवचन और पूजा कर्म से ही अपने परिवार का पालन करते थे। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर मालवीय जी ने संस्कृत तथा अंग्रेजी पढ़ी। इन्हें यह बात बहुत कष्ट देती थी कि मुसलमान और ईसाई विद्यार्थी तो अपने धर्म के बारे में खूब जानते हैं, पर हिंदू इस दिशा में कोरे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कालाकांकर रियासत के नरेश इनसे बहुत प्रभावित थे। वे हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकालते थे। उन्होंने मालवीय जी को बुलाकर इसका संपादक बना दिया। दैनिक हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी उनकी पत्रकारिता में रुचि बनी रही। इंडियन यूनियन, भारत, अभ्युदय, सनातन धर्म, लीडर, हिंदुस्तान टाइम्स आदि हिंदी व अंग्रेजी के कई समाचार पत्रों का संपादन उन्होंने किया। कानून की पढ़ाई पूरी कर वे वकालत करने लगे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी 3 बार अध्यक्ष चुने गए। हिंदू धर्म पर जब भी कोई संकट आता, मालवीय जी तुरंत वहां पहुंच जाते। हरिद्वार में जब अंग्रेजों ने हर की पौड़ी पर मुख्य धारा के बदले बांध का जल छोड़ने का षड्यंत्र रचा, तो मालवीय जी ने आंदोलन कर अंग्रेजों को झुका दिया। उन्होंने हजारों हरिजन बंधुओं को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। हिंदी की सेवा और गौरक्षा में उनके प्राण बसते थे। मालवीय जी के मन में लंबे समय से एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की इच्छा थी। काशी नरेश से भूमि मिलते ही वे पूरे देश में घूमकर धन संग्रह करने लगे। उन्होंने हैदराबाद और रामपुर जैसी मुस्लिम रियासतों के नवाबों से भी धन संग्रह किया। अप्रैल 1926 में जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय नागपुर गए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से मिले। वहां उन्होंने मोहिते के बाड़े में लगने वाली संघ की शाखा भी देखी और डॉक्टर हेडगेवार से बहुत प्रभावित होकर कहा, आपका कार्य बहुत अच्छा है, देश भर में संगठन का विस्तार होना चाहिए। संगठन के लिए धन की आवश्यकता होती है, आपकी सहमति हो तो संघ के लिए मैं धन इकट्ठा कर दूं। इस पर डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, मुझे पैसा नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। इस पर मालवीय जी ने कहा, अन्य संस्थाओं के पास इमारतें और कोष है, परंतु आपके पास मनुष्य बल अच्छा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मालवीय जी का विशेष प्रेम था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में मालवीय जी ने संघ कार्यालय खोलने की अनुमति ही नहीं, बल्कि उस समय के प्रतिकुलपति राजा ज्वाला प्रसाद को एक छोटा भवन बनाने का आदेश दिया। संघ के स्वयंसेवकों ने भी कुछ राशि एकत्र कर विश्वविद्यालय को अर्पित की। उसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर में संघ का कार्यालय खुल गया। संघ के द्वितीय सरसंचालक श्री गुरुजी पर भी मालवीय जी की विशेष कृपा थी। अगस्त 1946 में जब मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही के नाम पर पूर्वोत्तर भारत में कत्लेआम किया, तब मालवीय जी बीमार थे। वहां हिंदू नारियों पर हुए अत्याचार की बात सुनकर वे रो पड़े। इसी अवस्था में 12 नवंबर 1946 को उनका शरीर शांत हो गया। ऐसे प्रेरणा पुरुष किसी राष्ट्र को सौभाग्य से ही मिलते हैं।